आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ग्लोबल इकोनॉमी में इस साल अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस साल लगभग 3.6% की दर से बढ़ने के अनुमान के बीच कच्चे माल का निर्यात करने वाले अरब देश ऊर्जा की ऊंची कीमतों के कारण चांदी काट सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने रिपोर्ट जारी कर इस बारे में बताया है। वहीं IMF की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए लागत और अरब देशों की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी और उनका वित्तीय भंडारण बढ़ेगा। वहीं अन्य देशों को इस स्थिति के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से अरब देशों की अर्थव्यवस्थाओं में उछाल आएगा। तेल निर्यातकों को इस स्थिति में अप्रत्याशित लाभ भी होगा। वही रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी एशिया में कच्चे तेल का आयात करने वाले और काला सागर क्षेत्र से खाद्य आयात पर बहुत अधिक निर्भर मिस्र जैसे देशों पर हालांकि इस स्थिति का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बता दें, रूस के हमले के बाद यूक्रेन में किसानों को खेती छोड़कर हथियार उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के किसान बंदरगाह और सड़कें बंद होने की वजह से अपने अनाज का निर्यात भी नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से गेहूं की कीमतों में उछाल आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऊर्जा की ऊंची कीमतों ने सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादकों के लिए एक चमत्कार किया है। इसकी वजह से इस साल सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में 7.6%, कुवैत की अर्थव्यवस्था में 8% की वृद्धि का अनुमान है। IMF का यह अनुमान 2022 के दौरान कच्चे तेल की कीमत के औसतन $160 प्रति बैरल और 2023 में ये $92 प्रति बैरल के आसपास रहने का अनुमान पर ये आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।